घड़ी मैच कर रहे हो? ये कब की फोटो है? छुपाने वाली बातें छुपा गई यार। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं बचपन में स्कर्ट पहनती थी या निक्कर पहनती थी? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मेरे को दुनिया बता रही है। तुम्हारी छोटी सोच तुम्हें धोखा दे रही है। तुम को जलील कर रहे हो, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैं उन्हें बात कर रही यार, तुमसे आती हो। हेलो इधर आइयो। कहाँ है? छज्जे पे थी, काम की कर रही थी। तू तैयार शहर होके छज्जे पे खड़ी हुई है? अरे कंघी कर रही थी, अंदर सारे फर्श पे बाल बाल हो जाते हैं, बाल पता नहीं टूटी बहुत रहे हैं। मैंने कहा चल, वहाँ कौन छज्जे पे कंघी जाके कौन करता है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मार्केट जाना है मुझे, चश्मा पहन के खड़ी हूँ। मार्केट जाने के लिए ऐसे तैयार होते खड़ा होता है? तेरे रंग ढंग ही चेंज हो गए। ये क्या हो क्या गया है आपको? मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हुई हूँ, अभी आपको बोल के गई थी कि मैं मार्केट जाऊंगी। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है तू क्या करने के लिए खड़ी हुई थी। तो आप अपने घर के छज्जे पे नहीं खड़े हो सकती? हर एक बंदे को पर पर ले तो कौन क्या कर रहा है, सारी समझ है मेरे अंदर। तुम क्या बातें कर रहे हो मुझे ये बताओ। जो मैं बात कर रहा हूँ समझ भी नहीं होगी, क्यों खड़ी हुई थी तू? क्यों खड़ी हुई थी? कंघी करने के लिए खड़ी हुई थी? कहना क्या चाह रहे हो? मेरे को नहीं समझ आ रहा खड़ी हुई थी। फिर किसके खड़ी थी? वो एक हफ्ते से वो लड़का है ना सामने, उसका किराएदार। किसका किराएदार? पंकज का, सामने वाले मकान में। तब से को ज्यादा आग लगी पड़ी छज्जे पे आने की। पहले दिन में तो एक बार, दस दिन में एक बार भी जाती थी। एक सेकंड, क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैंने मेरे को दस दिन में एक बार भी जाती थी तू, अब दिन में दस बार तू वहाँ जा रही है। कंघी भी जाके कर रही है, चश्मा लगा के खड़ी हुई है। चश्मा मैंने नहीं लगाया, चश्मा सर के ऊपर लगाया, बाहर धूप है, जाना है इसलिए मार्केट। ये कोई पहली बार थोड़ी चश्मा लगाया है या पहली बार थोड़ी छज्जे पे खड़ी हुई है? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे को नहीं पता कौन सा पंकज कौन सा किराएदार, हद हो गई। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। देखती तो सबको है, समझ तेरे को सबकी आती है, बता नहीं रही। तुम किस मूड में बैठे हो मुझे बस इतना बता दो। तू किस मूड में है जो बाबा चक्कर लगा रही है? ये ना फालतू की बातें ना इतने, मतलब ये फालतू की बातें नहीं है, ये फालतू की बातें तू करना छोड़ दे। नहीं तुम्हें ये तो शोभा नहीं देती और तुम्हें भी शर्म नहीं आती? इतने बड़े बच्चे हो गए और तुम ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ है? तो तू ऐसा करना बंद करना फिर। क्या कर रहा है? घर में शीशे कम है क्या? बाहर तब मेरे को टोकते रहते हो कि बाल इधर उधर रहते। मैंने कहा छज्जे पे कंघी कर लेती हूं। ये बहाने है तेरे, ये एक बताइए, ये तेरे स्कल्ट वाली फोटो कब की है? जब गोवा गए थे तब तो तू बोल रही थी कि मैंने पहली बार गोवा में स्कल्ट पहने, जिंदगी में मैंने पहने नहीं। ये फोटो में स्कल्ट कब पहनी तूने? तुम्हें शक्ल दिख रही है मेरी, उम्र तेरी ही दिख रही है मेरे को। तो मेरी उम्र दिख रही है, मैं कितनी छोटी थी? फर्स्ट ईयर की फोटो है ये, फर्स्ट ईयर में स्कर्ट पहने कोई वो थोड़ी है। उसके बाद मैंने मेरे से इतनी बात, इतनी बड़ी बात छुपा दी? क्या क्या बात, फर्स्ट ईयर की फोटो है, देख लो शक्ल देखो। फर्स्ट ईयर में बिगड़ी हुई थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्कर्ट पहनना दिख रहा है? क्या बोला था कि मैं फर्स्ट टाइम स्कर्ट पहनूं, उससे पहले मैंने नहीं पहनी। तो फर्स्ट टाइम मतलब यार वो मेरा बचपना था, मैं 16-17 साल की स्कर्ट पहनती थी। तो बचपन में तो स्कर्ट पहनते ही है ना। कौन पहनता है यार? तूने मेरे को बताया होता तो पता लग जाता यार। तू इतनी बिगड़ी हुई थी क्या? स्कर्ट पहन के घूमती थी? तुमने मेरे को उस टाइम क्या बोला था गोवा जाते टाइम कि मेरे को, मेरी तरफ से ना कोई मनाही नहीं है, तू तो पहना कर, मैं तो शुरू से कहता हूँ। तो ये सब फालतू की बातें थी क्या? आज तुम मेरी इतनी पुरानी फोटो देख के ये बोल रहे हो? इस फोटो में देख, ये किसका हाथ है? ये कौन सा हाथ? ये जिसने घड़ी पहनी हुई है। मुझे क्या पता, फोटो आगे से खींची है, हाथ किसका है किसका नहीं है मेरे को क्या? यही घड़ी मैंने सामने वाले के हाथ में देखी है, यही घड़ी, और क्रॉप कर रखी है फोटो। तुम पागल पागल हो गए? पूरी फोटो नहीं है, फोटो में ऐसा जान उसके क्रॉप करके रखी गई है। पूरी फोटो है वो, सामने देखने दे, बंदे छोटे नहीं नजर आ रहे तुम्हें? ये घड़ी किसके पीछे वाला जो बंदा है? मुझे क्या पता किसकी है, तेरे को तो कुछ भी नहीं पता। ये तेरे तेरे गूगल फोटो में रखी हुई है ना फोटो, तो फिर किसको पता रहेगा? कुछ भी मेरे को पता रहेगा? ये आगे सारी मेरी फ्रेंड्स खड़ी हैं, यहाँ पीछे कौन सा बंदा खड़ा है कौन सा, और उसके हाथ से मेरा क्या लेना देना? और तुम क्या घड़ी मैच कर रहे हो? ये कब की फोटो है? ये घड़ी मतलब किसी के पास होगी ना? से कितनी बातें छुपा रखी मुझे ये बताओ। ये आज से 15-20 साल पुरानी फोटो है, 15 साल पुरानी। पहले स्कर्ट तो पहनती थी, तूने मुझसे छुपाया क्यों? तूने पता नहीं क्या क्या छुपा रखा होगा यार। एक बात बताओ, ये कब की फोटो है? फर्स्ट ईयर, मेरे फर्स्ट ईयर में 17 साल की थी मैं तब। मैं स्कर्ट पास्ट क्यों बताया था ना मेरे को, तो पूरा पास्ट क्यों नहीं बताया? छुपाने वाली बातें छुपा गई यार। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं बचपन में स्कर्ट पहनती थी या निक्कर पहनती थी, ये मैं तुम्हें बताऊं? समझ नहीं आ रहा तुम क्या, तुम्हें हो क्या गया है आज? और ये कौन है लड़कियां, ये लड़कियां कौन है? फ्रेंड्स हैं मेरी।
ये फ्रैंक से तेरी ऐसी फ्रैंक से तुम उसकी आईडी क्यों खोल रहे हो? तुम पहले ये बताओ तुम उसकी नहीं, नहीं तुम उसकी आईडी अरे तुम मेरे को ये बता दिए ये धुएं उड़ा रही है हुक्का पी रही है और वो देखो उसके हाथ में शराब का गिलास है ऐसी फ्रैंक से तेरी उसकी आईडी क्यों खोल रहे हो? तो ये तेरी फ्रैंक है ना तो बहुत पहले की थी ना मेरी फ्रेंड तो क्या पछतावा पड़ता ही है या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है की लाइफ स्टाइल है वो जैसे मर्जी रहे उसका नहीं मना करता कोई उसके घर में कोई इनको ही मना नहीं कर रहा तो वो कर रही है आपको क्या फर्क पड़ रहा है ऐसी फ्रैंक बनाई हुई है जो दारू पी रही है ओके okay, पर मुझे ना तुम्हारी सोच पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है और मैंने मुझे, ऐसे मुझे, सोच मुझे, वाले मुझे, इंसान मुझे, से शादी नहीं करी थी नहीं ऐसे सोच वाले इंसान से शादी नहीं करी थी मैंने तुम्हें मेरे को नहीं समझ आ रहा तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम इसको छोड़ो ये तेरे पीछे जो लड़का खड़ा हुआ ये तेरे कमर में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है इसमें देख इसको भी क्रॉप कर रखा है उसकी शक्ल क्यों नहीं है कोई लड़का नहीं है कोई लड़का नहीं है तो जान बुझ के शक्ल छुपाई हुई है लड़की की अरे वो लड़का है ही नहीं वहाँ पे कोई तो ये किसका हाथ है किसका हाथ है मेरी फ्रेंड का हाथ है यहाँ से नहीं दिख रही इसका फ्रेंड का हाथ है यहाँ पे ये फ्रेंड का नहीं लड़के का हाथ लग रहा है ये शक्ल लग रही है यार हद हो गई टीचर्स डे पे वो लड़का बनी थी 12th क्लास की फोटो है ये लड़का बनी थी शक्ल नहीं दिखाई लड़का बनी थी सर नहीं बनते हैं वो सर बनी थी और मैं मैम बनी थी तो उसने ऐसे हाथ डाला हुआ है लेकिन उसकी शक्ल कितने एक्सक्यूजेस देगी तू मेरे को कोई एक्सक्यूजेस नहीं लेती तुम्हें कोई लैपटॉप तो मैं बंद एक मिनट तो मुझे हाथ लगा रही जरूरत नहीं है तुम्हारी क्या क्या छुपा रखा तूने मुझसे मैंने क्या छुपा रखा और तो तुम मुझे ये बताइए मैं तेरे को बोला इतने बड़े बच्चे होने के बाद मैं ये हरकतें करूंगी क्या मैंने तुझे बोला कि जब भी तू जाती है मेरी लोकेशन शेयर कराकर तूने दो दिन पहले मेरे से लोकेशन भी शेयर नहीं करी थी अपनी गूगल लोकेशन शेयर क्यों नहीं करी थी कम नहीं करी कहां गई थी उसके बाद तेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए शेयर नहीं क्यों नहीं करी फोन ही स्विच ऑफ हो गया कैसे कर दी कहीं और गई थी क्या बात कर रहे हो यार तुम कहीं और गई थी ना तभी मेरा फोन ऑफ हो गया था इसलिए मैं नहीं कर पाई तुम अपने दिमाग से नहीं सारी बातें निकाल दो यार मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे तुम्हारे बच्चों की इतनी केयर करती हूँ तुमसे इतना प्यार करती हूँ ये क्या कर क्या रहे हो तुम ऐसे तो नहीं होता है ये देख ये रिंकू वाह ये रिंकू से हाँ तेरी बंदी मिल गई है तेरी बंदी की वजह से ऐसा ये बंदी बंदी क्या क्या बात कर रही है तुम्हें रिंकू नहीं पता कौन है रिंकू नहीं पता कौन है रिंकू तू ही बता रिंकू कौन है अरे यार मेरी मासी जो है ना उनके देवर का लड़का वो भी मतलब वो चाचा जी लगते हैं उनका बेटा है रिंकू उससे कजन है हाँ कजन है कजन से ऐसी बातें करती तू कजन वजन कोई कजन वजन नहीं होता सिर्फ अपना भाई होता है दूसरे कोई नहीं होता तो मैंने उससे क्या बात करी मैंने ये तो बोला ना उसकी किस कौन सी है वो फ्रेंड कौन सी है ये सेटिंग तो फ्रेंड ही हो गई ना सेटिंग क्या हो गई तू ऐसी बातें करती है तेरी बंदी मिली नहीं मिली बंदी बंदी बोलती है तू क्या तू कैसे कैसे मतलब तेरी कजन है मेरा पूरा खानदान ही कितना बिगड़ा हुआ है तो बंदी बंदी करके बात कर रही है उससे कजन है वो मेरा उससे बात कर बताई थी मुझे तो मैंने उससे बात कर ली जो बात कर रही है तूने ऐसे अपने कजन से ऐसे बातें करते कोई तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी मुझे तो आज इतनी गिल्टी फील हो रही है कि मैंने तेरे से शादी कर ली है तो मैं सच्ची बता रही हूँ मैं नहीं करूंगी आगे से लेकिन ये बहुत पुरानी चैट है आप ये देखो तो सही 10 साल पुरानी चैट है आज से क्या क्या बात कर रहे 10 साल पुराने तेरा क्या क्या चक्कर रहा होगा किस किस से रहा होगा तूने बताया मुझे तुमको सच बता दे तेरा किस किस से चक्कर जरूरी है मेरे बेसे ही पट्टी होगी तो इतना शक कर रहे हो ना मेरे पे इतना शक कर रहे हो तू बता के जाएगी आज किस किस से तेरा चक्कर रहा है किस किस से रहा है किसी से नहीं रहा 19 साल मार के जाएगी नहीं वो सामने वाला लड़का निकल गया होगा इसके पीछे तू मार के जा रही होगी बारे बना के वो घर के चक्कर लगा रहे मेरे को सब पता है सारे किराएदार मेरे को बताते हैं कि वो तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा है तुम्हारी बीवी इंटरेस्ट ले रही है इसके अंदर कौन बता रहा है तुम्हें वैसे किराएदार किसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे बारे में ऐसा बोल दे सब बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं तू इंटरेस्ट ले रही है यार तुम तो मुझे नाम बता दो उसका जिसने ये बात बोली है तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी मैं मतलब कोई तेरे बात सच बता दे तो मुंह तोड़ देगी उसका मेरे बारे में सच है ही नहीं तुम्हें इतना ही विश्वास है मेरे ऊपर इतना ही प्यार है तुम्हारा वैसे तुम कहते रहते मुझे इतना प्यार है मैं इतना प्यार करता हूँ मैं तेरे पे इतना ट्रस्ट करता हूँ ये ट्रस्ट था तुम्हारा चार फोटो देख के और वो भी पता नहीं कब की देख रहे हैं इतने इतने साल पुरानी तुम्हारे दिमाग में आया क्या जो तुम ये फोटो निकालने लग गए चोरी पकड़ी मुझे जाना ही नहीं कहीं चोरी पकड़ी इसलिए ज्यादा गुस्सा करके दिखा रही है बुरा लग रहा होगा पकड़ लिया मैंने सीआईडी से कंपनी को मैं एक बार किसी के पीछे लग जाओ ना तो पूरी जड़ तक जाता हूँ मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से ये किसी से भी कम नहीं हो तुम दुश्मनी निभाने पे आते हो तो ऐसे दुश्मनी निभाते हो कि लगता ही नहीं कि कभी प्यार भी किया था
मुझे ये बताइए, जो तेरे गले में हाथ डाल के खड़ा हुआ है, ये बंदा है? कोई नहीं है मेरे गले में हाथ डाल के खड़ा हुआ। कौन है ये बंदा? कौन सा बंदा? ये जो तेरे गले में हाथ डाल के खड़ा हुआ है, कौन है ये? कौन है ये? दूर के चाचा है मेरे, ठीक है? और बोल मत देना। दूर के चाचा है तेरे, पास आके क्यों खड़े हुए? वो भी गले में हाथ डाल के। चाचा चाचा, भतीजी भतीजी बोल बोल के हाथ फेराया जा रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फालतू की बातें मत करो। देखो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरे करैक्टर के बारे में कुछ बोलोगे ना, मैं बर्दाश्त। तो चाचा के करैक्टर देखा तूने? चाचा का क्या करैक्टर है? शर्म ऐसे चाचा रखने से पहले देखो 10 बार पूछना चाहिए। ऐसे चाचा रखने से पहले 10 बार मेरे को क्या पूछना चाहिए? वो आराम से खड़े हैं। तो रखा क्यों तूने ऐसे चाचा? तुम्हारी सोच खराब है, गंदी सोच, छोटी सोच। कितनी छोटी लग रही तू उसमें, ऐसे ऐसे कर खड़ा हुआ तेरे को, गंदे बात रख के। बच्चा बच्चा समझ के कोई अच्छा लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। खुद रहो जा। मेरे पास मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। तुम्हारी इस सोच को देख के ना मेरा मन कर रहा है मैं तलाक दे दूं तुम्हें। अभी यही मन कर रहा है मेरा। मेरे को पता है तू तलाक देगी। अब तेरे को तो वहां जाना होगा ना। कहाँ जाना होगा? वही लड़के के पास जो सामने आया। तुम कितनी घटिया हो यार, तू सोच ही रही है तलाक देने। सोच नहीं रही, तेरे को बहाना चाहिए तलाक लेने का। तुम ऐसी बातें कर क्यों रहे हो? मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, अगर कोई बात ये सुन ले हमारा बच्चा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पापा मम्मी को किस तरीके से बोल रहे हैं और क्या विश्वास है, क्या प्यार है? ये होता है प्यार, इसको कहते हैं? ये तेरे को ये लव मैरिज थी तुम्हारी, तेरे को अपने अंदर लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? मेरे को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मेरे को दुनिया बता रही है। तुम्हारी छोटी सोच तुम्हें धोखा दे रही है। बोलती मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं देखो खुद तलाक दे रही हूं। काम करो, तुम अपनी काउंसलिंग करा लो, कहीं जाके ना चेकिंग करा लो तुम अपने दिमाग की, जो तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। मुझे लगा तुम पागल हो, मुझे लगा मैं शक्कर हूं। तो शक नहीं कर रहे, तुम मेरे को जलील कर रहे हो, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैं उन्हें बात कर रही यार, तुमसे बात ही हो गई यार। तुम मुझे अपने घर जाना है। एक ये पता था जो मेरे लिए ना दुनिया से लड़ जाता था, और एक आज तुम मेरे बारे में कि मैं छज्जे में बाल बना रही हूँ, इसके लिए तो कुछ भी चक्कर है, मेरी फोटोज चेक दुनिया के लिए जब मुझसे लड़ेगी फिर मैं क्या करूँगा? छज्जे बाल बना रही हूँ, कभी छज्जे में जाती है? आज तू बाल बना रही है, वहां पर जाके खड़ी होके तेरे 10-10 चक्कर लगा रही है। छज्जे में जाती नहीं, कपड़े सारे तुम धोते हो रोज। ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े धोने की जरूरत नहीं होती, जो तो एक कपड़ा फैलाने बाहर जाती है। छोड़, मेरे को रखना ही नहीं, हट, बंद कर इसको, ये ले। मत बता मेरे को, आप बताऊं क्या? कुछ बताने के लिए हो गए तो बताओगी ना तुम? कितनी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। नहीं तुम मुझे बता, चक्कर है कि नहीं है? सामने वाले को नहीं देखती तू? तुम्हें ये बताना पड़ेगा मुझे कि मेरा चक्कर है कि नहीं। देखती है कि नहीं ये बता दे। तुमने ये बोल दिया ना, यही मेरे लिए सबसे मनहूसियत बात है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उसको देखती हूँ। तुझे लग रहा है मैं चक्कर हूँ? तुम्हारे खुद के गिरेबान में खोटे ना, इसलिए तुम मेरे पे शक कर रहे हो। तुम दुनिया की लड़कियों को ताड़ते हो, मैं नहीं, मेरी आदत नहीं है ऐसी। तुझे लग रहा है मैं शक कर रहा हूँ? तुझे लग रहा है मैं शक कर रहा हूँ? लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा बात नहीं है, ठीक है फिर। अच्छा ये बता, शॉपिंग नहीं करनी मेरे को अभी इस बार? करवा चौथ में एक भी सूट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तुम यही चाहते हो ना कि मैं शॉपिंग करने जा रही थी, मेरा तुमने दिमाग खराब कर दिया। वो ये बता, मैं शक कैसे करता हूँ? अच्छा करता हूँ कि बेकार? अरे बता ना, क्या बताऊँ मैं? शक कैसे करता हूँ? शक तुम बीमारी है, शक शक कोई 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 चीज नहीं है, शक एक बीमारी है, जो बीमारी तुमने लग चुकी है और पता नहीं कब लगी है, मुझे समझ नहीं आ रही। लगी है अभी, किसी ने मेरे को बोला था कि शक करने वाला प्रैंक बनाओ, तो मैंने कहा चल शक करके देखता हूँ आज मैं कैसे करता हूँ। तो शक करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं आया कैसे करूँ। ये प्रैंक था तुम्हारा, बहुत ही घटिया प्रैंक था ये। किससे बोला तुम? तुम्हें किसी ने बोला था? लेकिन तुम मुझे बता, छज्जे में जाके बाल क्यों बना रही थी? अब मैं छज्जे पे क्या पूरे घर में बाल फैलाऊंगी, झाड़ू तुमसे लगाऊंगी। घर में फैलाइए, बाहर मत चली जाइए, वरना टांगे काट दूंगा तेरी, बता रहा हूँ। इस बारे में बिगड़ रही है, कर दोगे यार? मेरे को दिमाग खराब कर दिया, तुम प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ इतनी देर से, ये फोटो निकाल निकाल के। स्कर्ट क्यों पहनती थी? डर आ रही थी मुझे यार, मेरे बचपन था, अब बचपन में मेरी नाक आती थी, ये भी तुम्हें बताऊं, मेरी यहां तक नाक आती थी, ये बताऊं तुम्हें? वही तेरा चाचा है, ऐसे चांस मार रहा था।